भोपाल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भोपाल जोन श्री उपेंद्र जैन और पुलिस उप महानिरीक्षक भोपाल श्री इरशाद वली द्वारा विशेष अभियान के तहत कार्यवाही करके जालसाजो नकली पावती बनाकर जमानत देने वालों गिरोह का पर्दाफाश किया है। उक्त तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री धर्मवीर सिंह के मार्गदर्शन में थाना क्राइम ब्रांच भोपाल की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भोपाल न्यायालय परिसर के बाहर विभिन्न प्रकरणों में गिरफ्तार शुदा जरूरतमंद आरोपियों की जमानत हेतु अवैध तरीके से नकली बही ऋण पुस्तिका तैयार कर उसमें संबंधित अधिकारी की कूटचरित सील मुद्रा लगाकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके अवैध तरीकों से जमानत कराने वाले गिरोह के लोग बैठे हुए हैं। थाना क्राइम ब्रांच भोपाल की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर न्यायालय परिसर भोपाल के बाहर 2 महिला और 8 पुरुष रोड किनारे बैठे थे, जिनके पास पहुंचकर उनका नाम पता पूछने पर संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहे थे। विस्तृत पूछताछ पर लोकेश यादव द्वारा जमानत कराने हेतु न्यायालय में बुलाने पर अपनी फर्जी बही लेकर आए। जमानत कराने पर जो पैसा मिलता है उसमें लोकेश का भी अपना हिस्सा होता है, वहीं फर्जी बही गणेश मकवाना द्वारा उपलब्ध कराई जाना बताया। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। क्योंकि मूल जमानतदार की जिम्मेदारी बनती है आरोपी के फरार होने के बाद न्यायालय उसके कानून की संपत्ति को राशत कर सकता है, पुलिस भी उस पर कार्रवाई शुरू करती है। सर इसलिए कई बार जो मूल जमानतदार है वो लोग पेश नहीं कर पाते और ऐसे फर्जी जमानतदार के माध्यम से कोर्ट से जमानत लेने का प्रयास करते हैं। कई सारे लोग हैं जो जमानत के लिए उसको ढूंढने का काम करते हैं। क्या ये माना जा सकता है कि भोपाल के अलावा और भी इनके सक्रिय सदस्यों में बेल लेने का प्रोसेस बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी होता है, इनके कनेक्शन कहाँ कहाँ पे हैं और किन किन डिस्ट्रिक्ट में किस किस कोर्ट में जमानत दी है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हमारा प्रयास ये रहेगा जिन न्यायालयों में जिन केसों में इन्होंने फर्जी दस्तावेज पेश करके जमानतें दी हैं उन केसों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाए। सूत्रों से कुछ करिए निश्चित रूप से जो भी दस्तावेज हैं वो जिस एजेंसी के बताए गए हैं उस एजेंसी ने जारी किए हैं या नहीं किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।